ये तो लगाने के तो हम कैमरा नीचे करो। अजीत चेक करो हेड पर जी थोड़ा यार। बोल आप सबका स्वागत है आपको मिला है मैं जल्दी करेंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे कि आपने एक बहुत सकारात्मक रिपोर्टिंग इस पूरे चुनाव के दौरान की और आपकी सजगता की वजह से पहले चुनाव के अंदर जो इंडिया अलायंस को जीत मिली आपने बहुत अच्छे ढंग से समय उठाया था और कल भी जब कुछ ऐसे मोमेंट्स आए तो ऐसा लगा कि फिर से मिलने वाला चाहता तो आपने बड़ी सहायता के साथ किसी को भी थोड़ा पीछे में बैठा और सर्टिफिकेट जो है पुलिस तिवारी जी को दे दिया और ये पुलिस तिवारी जी के साथ तीन अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी से लगातार जीत हासिल कर पहले ग्यारह से फिर नागपुर सात से और अब चंडीगढ़ से और अब हम चंडीगढ़ से मनीष जी को जाने भी देखे जाने देते हैं कभी इसे काम भी नहीं है और काम भी नहीं है। आपने प्रधानमंत्री नतीजे भी देखिए जो मोदी साहब 400 पार की बात करते थे कल क्या हालत बनी हुई थी कि खुद की मेजोरिटी भी नहीं आई भाजपा और कांग्रेस को कह रहे थे 40 से नीचे 100 सीटें कांग्रेस के प्रभू यादव एक आदि को शायद ज्वाइन कर जाएंगे और 99 में तो 100 हो जाएंगी पूरी साइड छोड़कर मोदी साहब के अंत की शुरुआत है उनके युग के अंत की शुरुआत है। 10 वर्ष होकर बहुत परेशान हुए लोगों को किया और इस बार भी भ्रम का जाल बनाकर बहुत लोगों से वोटे ले ली लोगों को लगा शायद यही जीत रहे चैनल्स ने बहुत लोगों ने दिखाया कि जी बहुत कई अल्टीमेटली ये तो जीतना ही उन्होंने लोगों ने वोटे उस तरह से डाले अगर सच्चाई नहीं होती एक चैनल का तो मैं देख रहा था उन्होंने 360 से 400 दिखाया था और निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया उस चक्कर में तो बड़ा सीरियस बात है लाख करोड़ जो लोगों का डूब गया इस चक्कर में भी ये 400 के साथ ना यार रास्ता रखा था हमने ये ड्राइवर लंग रहा पार्टी के साथियों का आज जेडी तो भी छोटे दल मैंने पहले भी आप मीडिया बंदुओं का धन्यवाद किया दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रहरी के रूप में इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा की सही रिपोर्टिंग की अनबायस्ड होकर लाइव कर रहा हूँ प्रेस किया अपने अखबारों के अंदर हमारे बारे में जो भी अच्छा लिखा जहाँ जून पड़ी हमारा यदि किसी को भी किया और किसी ने अपनी खुलासा बना जीत पुलिस तिवारी जी की हो गई है और ऐसा नहीं कि अब हम जीत के जश्न में लगे रहेंगे हमें बहुत जल्दी उसको लेकर ऊपर सरकार के गठन की भी आपको पता सरकार के दोनों तरफ बातचीत चल रही है ग्रुप की स्तर पर बैठेगा ये तो आने वाले मनोवरी पता चलेगा मगर एक बात पक्की है बीजेपी के अंदर और बीजेपी के प्रधानमंत्री उनमें और साथियों बीच में से
मोदी को पसंद नहीं कर रहे तो बहुत खर्चा होने वाली है यार। ना पीछे का कौन है यार, चंडीगढ़ के लोग बताते रहेंगे। आज मैंने फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बनाया, फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, मनीष जी को मिठाई खिलाएंगे, आप सबको मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद भाई का कितने खड़ा फिर खड़ा मैं भी यार आप देखी यार। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे इंडिया अलायंस के साथियों का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का, आम आदमी पार्टी के साथियों का, समाजवादी पार्टी आरजेडी वामपंथी पार्टी और बाकी जो सारे घटक रहे इंडिया अलायंस के, उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये उनकी मेहनत है, उनकी शिद्दत है, ये उनकी कर्मठता है, दिन रात मेहनत करके हमने इस चंडीगढ़ की सीट को दोबारा से जो पंच निरपेक्ष ताकते हैं उनके बारे में बताया। अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास कर रहा, जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब आदमियों में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर थी। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहां पे आए और मेरे मीडिया से बहुत कट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, देश का सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहा है, तो इसलिए आप आए थे। आपके से कईयों को चुनाव के दौरान मैंने बहुत निराश किया था, ये मन और मन नहीं करता हूं मैं, पर आज मैंने ये उचित समझा कि आप इतनी बड़ी गिनती में आए, आपका बहुत हमको सहयोग मिला चुनाव के दौरान, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उन्होंने हमारे में भरोसा जताया है उसके ऊपर हम खड़े उतरने की कोशिश करें। मैं एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आखिरी बात है कि ये चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा ही कटाक्ष भरा रहा, बहुत ज्यादा ही उसमें एक पर्सनलाइज एग्रीमेंट आ गया था जो नहीं आना चाहिए, पर मैं अपने तरफ से मेरे मन में ना कोई रंजिश है, ना मेरे मन में कोई द्वेष है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई भावना है कि हम अपने राष्ट्र नीचे 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 को कोई बुरा भला कहें।
बताओ यार, अभी बताओ यार, किसी को जाना पड़ जाता था। अरे यार सर का लाइव ही हो रहा है, जिसका जिसको कर रहे उनका ही लाइव हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ। चलो जी सर।